तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एडी बॉम। और आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरा ग्लास के बारे में, जो मैंने लिया था कुछ महीने पहले का। और कुछ दिनों से मेरा कुछ वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास आ गया, इसलिए कोई राइड नहीं हो पाया। तो मेरा जो जिक्सर का वीडियो था पहले मैंने जो अपलोड किया, तो उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाल पाया मैं अभी। आप लोग तो इस वीडियो का मज़ा लीजिए। और जिस ग्लास के बारे में मैं बात कर रहा था उसका कुछ स्लो ही देख लिया जाए पहले, उसके बाद बात करेंगे उसका फीचर्स के बारे में। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो आप लोग देख लिया, तो जिस ग्लास के बारे में बात कर रहा था वो था स्पार्को का। तो ये रहा वो ग्लास, इसका स्लो ही देखा आप लोगों ने। ये देखो, ये देखो पूरा देख लो, पहले इधर बैंडिंग किया हुआ है स्पार्को का। तो इस ग्लास का फीचर्स के बारे में बात कर रहा था मैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, इसका बिल्ड क्वालिटी इसका प्राइस के मुताबिक बहुत अच्छा है। मुझे ग्लास पड़ा था 550 और इसका प्राइस था 580, मगर मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था, स्पेशल डिस्काउंट। और इसका ऑनलाइन प्राइस है 650 टू 680 तक हो जाता है ऑनलाइन में, तो इसलिए मैंने इसको लोकल मार्केट से ख़रीदा था। और आप लोग वेलिंगटन जाएंगे तो उधर से और सस्ते भी मिल जा सकते हैं आप लोगों को। तो और इसको पहनने के बाद बहुत कम्फर्ट होता है हाथ में, हाथ के अंदर मुझे बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। और इसका एक फॉल्ट ये है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो रेनी सीजन में इस ग्लास को पहन कर चलाओगे तो उसके रिस्क पे चलाओगे भाई आप, क्योंकि पूरा ग्लास गीला हो जाएगा। और एक अच्छी फीचर्स ये है कि इस ग्लास पे ये टचेबल है, मतलब आप राइड करते वक्त आपको जो मैप वगैरह जो सेट करना पड़ता है उसके लिए आपको ग्लास पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्लास पहन के ही मोबाइल टच कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से टच होता है मोबाइल, मैंने खुद इसको यूज़ करके देखा, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे फीचर्स लगा। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मुझे अच्छा लगा है, इसका एयर पासिंग सिस्टम बहुत अच्छा है भाई। इसका एयर पासिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं दिया गया, मगर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से एयर जाता है। आप 50 और 60 और 70 की स्पीड में चल रहे हो बाइक, मगर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर एयर जाता है। तो इसलिए जो मच्छर होता है हम लोगों का हाथ पे वो नहीं होता है, अंदर गर्मी बहुत कम होता है, तो बहुत देर तक आप लोग ग्लास पहन के चला सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा कंपनी का देखा हो कि उधर एयर पसंद के लिए कुछ दे रखता है पता है, मगर उधर से एयर नहीं जाता है ग्लास के अंदर और बहुत गर्म ही होता है अंदर। तो ये ग्लास इसके लिए बहुत अच्छा है, आप हर सीजन इसको यूज़ करते हो, मगर रेनी सीजन को छोड़ के। तो अभी इस ग्लास का तीन कलर आता है, तीन और दो कलर आता है मे बी, मुझे तो दो कलर मिले थे, एक फुल ब्लैक और ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो मुझे ये पसंद है तो मैं ये ले लिया। और इसका तीन साइज़ आता है, वो आप लोग एक पिक्चर पे देख लो। तो भाई आज का वीडियो भाई यही ख़त्म करता है, क्योंकि एग्ज़ाम है पास में बोला था पहले, तो एग्ज़ाम के बाद कुछ राइड वगैरह होगा, कि बहुत दिनों से कोई राइड नहीं हो पा रहा है। तो भाई चलो भाई आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो भाई एक लाइक ठोक देना, बताओ भाई कैसा लग रहा है, कि अच्छा लगा कि बुरा लगा कुछ तो बता दो। चलो भाई ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यही तक, बाय।